सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल ऋचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं उनका परिचय मैं नहीं दूंगी, उनका परिचय देंगे आपके हमारे हम सबके चहेते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। सुनिए। साजन अबरोल और नमन आलूवालिया, ये दो नौजवान, ये दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली की सर्दी में पेवमेंट के ऊपर लोग पड़े रहते हैं, गरीब बेचारे, और सर्दी के साथ उनको जूझना पड़ता है। तो इनको लगा कि क्यों ना इनके लिए हम कुछ वस्त्र वगैरह कपड़ों का इंतजाम किया जाए। तो इन्होंने अपनी एक संस्था शुरू की जिसका नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। तो जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा, साजन और नमन ये दोनों दिल्ली के बेसहारा लोगों के लिए कपड़े जुटाने का काम करते हैं, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। साजन नमन आज बिग हीरोज में मेरे साथ हैं। साजन नमन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। थैंक यू रिचा। सबसे पहले हम दिल्ली वालों को बताएं ये क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन क्या है। तो हम क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन में जरूरतमंद का लोगों को कपड़े बांटते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। जब आप कपड़े देंगे मेरे को, मैं उस कपड़े को जाके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और उस बंदे की फोटो खींचूंगा जो कपड़े पहन रहा है। उसके बाद वो फोटो मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा, और जिसने मेरे को कपड़े दिए हैं उसको फेसबुक पे टैग करूंगा। तो इससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है, और डोनर को पता होता है कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं और कौन पहन रहा है। कैसे शुरुआत हुई क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन की? हम क्लास 8 से साथ में पढ़ते हैं। बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा हमारे मन में था कि हम करना चाहते हैं। तो कॉलेज के दौरान हमने इंटर्नशिप करी किसी एक एनजीओ में, तब हमें पता चला कि उनका जो प्रोसेस था, जो लेन देन था, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हमने सोचा लोग हमारी मदद करेंगे, हमने फ्रेंड और फैमिली से स्टार्ट किया और वहाँ से बढ़ता चला गया। अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि आज की रात है जिंदगी शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन खुद आए थे आपके बीच जब आप कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उन्होंने अपने कपड़े भी दिए बांटने के लिए। उस दिन भी सरप्राइज दिया उन्होंने हमें, और जब आए तो उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि वो पहले से जानते हमें। उन्होंने आपको सरप्राइज दिया? जी जी। फिर क्या हुआ? जब हम लोग कपड़े बांट रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुसैन के साथ, उसके बाद वो आए हमसे मिले, तो वो काफी स्पेशल फीलिंग थी कि हमें लगा कि हमने कुछ अचीव किया है यहाँ तक आने के लिए। खुद से तो आए हमें हेल्प करने के लिए और हमारे काम में पार्ट बनने के लिए, साथ साथ वो अपने कपड़े भी लेकर आए। तो एक उनका जैकेट बहुत फेमस हुआ सिलसिला का, जो शायद सबने कवर किया था उनका। मुझे पता नहीं कि लोगों ने क्या किया होगा उस जैकेट का। बट बच्चन साहब के कपड़े किसी को आसानी से फिट आए, ये भी बड़ा मतलब ये मैंने उनको बोला था। मैंने कहा सर ये लेबर तो सर बड़ी पतली है। हाँ। इनको तो बेचारे को खाने को नहीं मिलता है, तो ये आपके सर आप तो काफी लंबे चौड़े हैं। कहते मुझे कि अरे इन्हें काट पीट कर पहन लेंगे। आगे हमने लोगों से पूछा आप क्या करोगे इतने बड़े कपड़ों का, बोलते हैं मैं इसको फोटो फ्रेम करा के अपने रूम में लगा लेंगे। बट उन्होंने बहुत प्यार से वो कपड़े दिए थे, मतलब एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं आए थे, वो एज अ वॉलंटियर बनकर आए थे। बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे खासकर उस दिन बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मेरे जो बिग हीरोज होते हैं वो बहुत यंग होते हैं। साजन और नमन, इन्होंने कैसे ये फैसला लिया, फैमिली ने किस तरह इनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया, और कैसे ये पूरा अपना एंजॉय चलाते हैं, ये सब कुछ मैं जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज, और आज मेरे बिग हीरोज हैं साजन और नमन, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। 92.7 बिग एफएम पर नए साल में ये है बिग हीरोज का पहला एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज मेरे बिग हीरो हैं क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन के नमन और साजन। तो साजन नमन, ये बताइए जब आपने क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन की शुरुआत करने का सोचा, फैमिली ने पेरेंट्स ने क्या बोला आपसे? शुरू में थोड़ा उन्हें लग रहा था कि 21 साल के लड़के हैं, 20 साल के लड़के हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो आई थिंक जब मन में भावना अच्छी होती है तो काम बढ़ता ही चला जाता है। तो वहाँ से ये शुरू होता गया और बढ़ता ही गया, एंड फैमिली ने फिर अब काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले हम नहीं हैं ये जो कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया हमारे साथ है। और हमारे सबसे पहले कपड़े जो आए वो हमारी फैमिली और फ्रेंड से ही आए थे, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक्सपैंड किया इसको, और अब हम ऑलमोस्ट 15 सिटीज़ में हैं इंडिया में, और 50 के ऊपर वॉलंटियर्स हमारे अब, तो धीरे धीरे काफी बड़ा हो रहा है ये। लेकिन आपने फरवरी 2014 में आई थिंक शुरुआत करी जी, तो अब 2 साल आपको होंगे, और इतने कम समय में आप 15 शहरों में भी पहुंच गए, कैसे किया आपने?
हमने 14 फरवरी को शुरू किया था ये वैलेंटाइंस डे पे इनफॉर्मली बहुत छोटे स्केल पे घर से शुरू किया था हम लोगों ने, और अप्रैल में हम लोग रजिस्टर हुए थे एज अ ट्रस्ट। और इतने छोटे समय में हमने इतना सब अचीव इसलिए किया क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन थी कि हम लोगों को हेल्प करें जितने हो सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे बेसिक नेसेसिटी कपड़े होते हैं, तो कपड़े हम अपनी वार्डरोब से भी दे सकते हैं, तो क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन का नाम भी वहीं से आया। लेकिन आप लोगों को देखकर ना मन में एक सवाल उठता है कि आप लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां ज्यादातर यंगस्टर्स बड़े बड़े मॉल्स में जाकर ब्रांडेड कपड़े खरीदने से मतलब रखते हैं, उन कपड़ों का क्या होता है बाद में, मतलब कितना पैसे वेस्ट हो रहे हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता, फिर डिस्क चले गए, डांस वांस कर लिया, पार्टी कर ली, आई एम सॉरी टू से दैट, बट इतनी सीरियसनेस आपकी तरफ से आना, और आपके सब फ्रेंड्स रिलेट कर पा रहे थे आपके सोशल वर्क से? आई थिंक अभी भी जब हम सोचते हैं कि अभी हम 23 साल के हैं और हमारी उम्र के बच्चे जिसे आप कह रहे हो कि डांस वगैरह पार्टीज ये सब करते हैं, which is fine, which is fine, which is good, against it, but normally sense of responsibility या social work का एहसास कम दिखता है। जी, जब हम अब सोचते हैं ये चीज तो हमें अभी भी लगता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, एक मतलब एक पैशन था और अभी कहाँ तक पहुँच गया है। आई थिंक जब आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है तो आपको लुक बैक नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड मतलब आप चलते ही जाओ इसको लेकर। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ हमने ऐसा क्यों शुरू किया था। मैं शायद क्लास 7th में था, मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। मेरे को तब से ही दिमाग में था कि कुछ करना है उनके लिए। जब हम लोग 18 ईयर्स के हुए हमने डिसाइड किया कि हम कुछ करेंगे, हमें एक साल लगा थोड़ा आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने में। हमारे पास ये आइडिया आया कि हम इंटर्नशिप करते हैं पहले एक एनजीओ में, वहाँ पे हमने 3 महीने इंटर्नशिप करी, लेकिन हमने ये देखा कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने सोचा कि हम फेसबुक को टैप कर सकते हैं इसको गैप कवर करने के लिए, क्योंकि फेसबुक की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है इस समय। और आइडिया मतलब हमारा मेन यही है कि हम ट्रांसपेरेंट रहें जो भी कुछ करें। जी, तो ट्रांसपेरेंसी शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं समझूंगी साजन और नमन से कि कैसे ये लोग कपड़े इकट्ठा करते हैं और कैसे ये लोग वो कपड़े जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए हमारा ये खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, 92.7 बिग एफएम पर। मेरे बिग हीरोज हैं साजन और नमन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे दो बिग हीरोज हैं जिनका नाम है साजन और नमन, उनका काम वैसा ही है जैसा साल में एक बार 92.7 बिग एफएम पर हम और आप मिलकर भी करते हैं, दरिया दिल्ली, दिल्ली के बेसहारा जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाने का काम। इनकी एनजीओ का नाम है क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन। तो साजन नमन, आप लोग कपड़े इकट्ठा कैसे करते हैं, ये पूरा काम कैसे होता है, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ ये कपड़े आपको ले जाकर बांटने हैं? बेसिकली हमारे पास जो फेसबुक के थ्रू डोनर्स आते हैं और वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, और हमारे कुछ ड्रॉप पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे आते हैं लोग, हम उनको एड्रेस देते हैं, उस वॉलंटियर का नंबर देते हैं, वहाँ पे जाके वो कपड़े उसको दे आते हैं, वहाँ से हमारा काम आगे शुरू होता है। तो जैसे कि हमारे पास आदमियों की बहुत सारी पैंट्स है या शर्ट्स है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं जहाँ पे ज्यादा आदमी होते हैं। अगर लेडीज के कपड़े हमारे पास, तो हम ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट चूज करते हैं जहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ लेडीज ज्यादा होती है। बच्चे हम कोशिश करते हैं कि ऑफनेजेस में जाएं, या हमारे पास हमेशा गाड़ी में कपड़े पड़े रहते हैं, तो हम चलते फिरते सिग्नल पे रोक के गाड़ी में से निकाल के कपड़े दे देते हैं, तो इस तरह से ये चलता है। कहीं से कोई फाइनेंशियल एड? इस वक्त बहुत कम है, लेकिन काफी सेल्फ फंडेड है ये। कोई ऐसा इमोशनल इंसिडेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने काम के रास्ते में लगता है कि कितना समय इसमें जा रहा है, करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बट फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है दैट कीप्स यू गोइंग। आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? एक बार हम लोग किसी स्लम एरिया में गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने क्लोथ्स, और उसी दिन एक बच्चा हमारे पास आया, उसने बोला मुझे साफ पीने का पानी चाहिए, तो हमने अपनी गाड़ी से निकाल के साफ पीने का पानी दिया उसको, और वो टाइम दिवाली के आसपास का था। तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि हम इस दिवाली कुछ अलग करते हैं पटाखे वगैरह बर्स्ट करने के अलावा, इस बार हम बर्स्ट हंगर चैलेंज करते हैं। तो बर्स्ट हंगर चैलेंज में ये हुआ कि मैंने किसी को फूड दिया या पानी दिया, और मैंने आगे 5 लोगों को नॉमिनेट किया कि आप भी सेम करो ये इस दिवाली। तो धीरे धीरे एक चेन हो गया ये, और काफी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई इसमें अपनी, और काफी लोग दिवाली पे पटाखे बजाने के बजाय भूख बजा रहे हैं। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक स्कूल में गए थे, एक लर्निंग सेंटर है वो, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। हमें लगा कि इस तरह के टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, तो हमने उस बच्चे से बात करी और उससे पूछा कि अगर तेरी एक विश मैं इस क्रिसमस या इस न्यू ईयर पे पूरी करूँ तो वो क्या होगी।
तो उसने बोला क्योंकि मैं गाता हूँ और मेरा इंटरेस्ट है गाने में, तो मेरे को एक गिटार चाहिए ताकि मैं आगे इसको परस्यू कर पाऊँ। तो हमने वहाँ से अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है गिफ्टेड ड्रीम प्रोजेक्ट। जी, उसके अंदर हमारे पास कुछ 500 बच्चों की लिस्ट है जो अपनी एक विश पूरी करवाना चाहते हैं। क्लोथ बॉक्स का एक स्पॉन्सर आएगा क्लोथ बॉक्स के थ्रू, और वो अपनी उस बच्चे के लिए एक विश स्पॉन्सर करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास कई बच्चे हैं जो कई एरियाज में टैलेंटेड हैं, और वहाँ से फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। और हमारा पहला जो गिफ्ट था वो उस बच्चे को गिटार था, और मतलब जब हमने उसको वो गिटार दिया तो उसकी एक्सप्रेशंस वर प्राइसलेस। So सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए, जो 500 बच्चों की लिस्ट है और उनके जो ड्रीम्स हैं, उनकी जो विश है, वो हम कहीं देख सकते हैं? जी हाँ, एक हमारी फेसबुक पेज पे हमने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप facebook.com/clothesboxfoundation पे जा सकते हैं और आप जाके पूरी डिटेल्स वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए, तो क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन के साथ जुड़ना हो या किसी एक बच्चे के सपने को पूरा करना हो, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं साजन नमन के साथ और उनकी क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन के साथ, ये मैं इनसे जानूंगी बस सबसे कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। जो लोग बड़ा दिल रखते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में, ऐसे लोग बनते हैं हमारे बिग हीरो। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हमारा खास शो बिग हीरोज, मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और नए साल के बिग हीरोज के पहले एपिसोड के हमारे बिग हीरोज हैं साजन और नमन, और इनकी फाउंडेशन का नाम है क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन, जिसके जरिए ये जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाने का काम करते हैं। साजन नमन, हमारे हर हफ्ते जो बिग हीरोज से मैं मुलाकात करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जब आप इस स्टूडियो से बाहर निकल कर जाएं तो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली वाले आपसे कांटेक्ट करें, आपसे जुड़ें और आपकी ताकत बने। तो एक तो आपने कहा कि आपका एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है facebook.com/clothesboxfoundation। इस पर हम जाकर वॉलंटियर भी कर सकते हैं कि अगर हम आपको कपड़े देना चाहें, आप हमें मैसेज करें कि आप किस तरह से क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और हम आगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। कोई और तरीका है, कहीं आपका ऑफिस है, कोई फोन नंबर, कोई वेबसाइट? हमारा ईमेल एड्रेस है clothesboxfoundation@gmail.com। एक बार फिर बता देता हूँ, हमारा ईमेल आईडी clothesboxfoundation@gmail.com। हमारे फोन नंबर फेसबुक पे मिल जाएंगे आपको, और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, नमन का नंबर है 9717345363 और साजन का नंबर है 9810196688। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और ये जानकर ज्यादा अच्छा लगता है जब हमारी युवा पीढ़ी समाज के लिए सोचती भी है, और सिर्फ सोचती नहीं, बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रही है। सो ऑल द बेस्ट फॉर क्लोथ बॉक्स फाउंडेशन। और चलते चलते बिग हीरोज का एक नियम है कि मैं अपने बिग हीरोज से गाने की फरमाइश लेती हूँ, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे? अमिताभ जी हमारे साथ थे, उनकी मेमोरीज हमारे साथ अभी दिमाग में चल रही है, तो उनकी मूवी सत्य पे सत्ता का गाना सुनना चाहेंगे, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। वाह वाह वाह, आप दोनों को भी बहुत सारे लोगों के लिए जो प्यार है वो एक मोड़ पर ले आया है। चलिए, तो बिग हीरो साजन और नमन की फरमाइश का एक खूबसूरत गीत सत्य पे सत्ता, अमिताभ बच्चन और उनके बहुत सारे भाई, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आप सुन रहे थे बिग हीरोज मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर।